इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सपोज़ ये आप मान लीजिए कि ये कोई एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा जो है इसकी रेंज के बीच में आना चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल देगा, मतलब ये एक एंगल होता है, ठीक है। तो ये एंगल प्रोड्यूस करेगा जो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा क्या होना चाहिए, इसकी रेंज में आना चाहिए। रेंज का मतलब कि अल्फ़ा मस्ट बी बिलोंग्स टू जीरो टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, ठीक है। जैसा कि आप इसके ग्राफ में देख सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है या डोमेन क्या होती है। ग्राफिकल आप एनालिसिस ग्राफिकल चीज़ें आप ज़्यादा याद रखा करिए, ये आपको फ्यूचर में भी काम देगा। खैर, तो अब ये रूट थ्री बाई टू, ठीक है। रूट थ्री बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई टू जो है, और वो भी कॉस में। तो टेबल में जैसा आप देख सकते हैं कि टेबल में दिया गया है, जो आप 9th-10th में पढ़ते थे कि कॉस के टेबल में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम कहेंगे कि रूट थ्री बाई टू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है, और ये 30 डिग्री रेडियन के टर्म में क्या लिखेंगे, रेडियन के टर्म में ये पाई बाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब रूट थ्री बाई टू को हम पाई बाई 6 लिख के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 6, और ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे कि कॉस ऑफ थीटा थीटा होता है। लेकिन ये क्या हमेशा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं हमेशा लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब थीटा इस कॉस इनवर्स के रेंज में आता है। दैट मीन्स व्हेन थीटा इज मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, तभी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है जीरो टू पाई है, ठीक। तो ये आपकी कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। दैट इज योर आंसर।